नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कुछ देशों में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अधिकारी खुद यहां के सभी सरकारी अस्पतालों का दौरा करेंगे और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी कि केंद्र सरकार के निर्देश के अनुपालन में मंगलवार को दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव अमित सिंगला ने रविवार सुबह सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें सभी अस्पतालों का दौरा करने और वहां बिस्तरों की उपलब्धता को और इसके साथ ही उपकरणों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना से चीन में जहां हाहाकार मचा हुआ है, वहीं इस मोर्चे पर भारत के लिए आज भी राहत भरी खबर है। बता दें आपको कि देश में धीरे धीरे कोरोना खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है और वायरस कोरोना संकट काफी कम हो गए हैं और पिछले एक महीने से कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट देखी जा रही है और आज भी देश में कोरोना के दैनिक मामले में गिरावट तेजी से दर्ज की गई है। देश में आज कोरोना संक्रमण के 200 से भी कम मामले सामने आए हैं। देश में आज कोरोना के 196 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। बीते 24 घंटों में देश कोरोना के 196 नए मामले सामने आए और जबकि कोरोना संक्रमण की वजह से 2 व्यक्ति मौत की खबर भी उनके सामने आई है और इससे पहले रविवार को देश में कोरोना संक्रमण के 236 नए मामले सामने आए थे, जबकि 2 लोगों की जान गई थी और कल के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 40 की कमी दर्ज की गई है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर पश्चिम और पश्चिमी से चल रही शीतलहर के दिल्ली में ठंड बढ़ा दी है और जिससे दिल्ली में ठिठुरन भरी सर्दी का दौर शुरू हो गया है और जिससे बात करें अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं है और 2014 के बाद रविवार को क्रिसमस का दिन सबसे ठंडा रहा है। वहीं आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री आका गया है, वहीं अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। दिल्ली और एनसीआर में फिलहाल गहरा कोहरा जो है वो बना हुआ है और पालम और इसके साथ ही सफदरजंग पर 100 मीटर की विजिबिलिटी आंकी गई है और इतना ही नहीं, ऐसे हालातों से सर्दी से राहत की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, तो ठंड का प्रकोप जो है वो कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें शीतलहर का प्रकोप बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि सर्द ठंड हवाएं चल रही हैं। SSB CTC सेंटर श्रीनगर गढ़वाल को अपना तीसरा DIG मिल गया है और DIG सृष्टि राज गुप्ता का संस्थानन होने के बाद से कुछ दिनों के लिए ये पद खाली चल रहा था, लेकिन अब इस पद पर परीक्षित बेहरा और नियुक्ति की गई है और इसके साथ ही आज परीक्षित बेहरा ने DIG के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले परीक्षित को नक्सल बैटल में महारत हासिल है। उन्होंने झारखंड के SSB की 35वीं वाहिनी का नेतृत्व करते हुए 25 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने का मजबूर कर दिया था और आपको बता दें कि नक्सलियों के कई ठिकानों को भी उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया और इसके साथ ही हथियारों के बड़ी जाखिरों को अपने कब्जे में भी लिया था। बताया कि सब इंस्पेक्टर सीधी भर्ती के 2 बैच वर्तमान में SSB श्रीनगर में चलाए जा रहे हैं और जल्द ही नए साल में एक और ग्रुप के परीक्षण के लिए CTC केंद्र श्रीनगर पहुंचेगा। दिनांक 9 को एक बच्चे की गुमशुदगी हुई थी और बच्चे के परिजन 11 तारीख को इसमें FIR पंजीकृत कराए थे। हमारी टीमों का गठन किया गया था। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि बच्चे की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की जाए। 16 तारीख को बच्चे की बरामदगी सुनिश्चित कर ली गई, वो भी सकुशल बरामद किया गया बच्चे को देवबंद से। उसके बाद हमारी टीम जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको ट्रेस करने में सफल रही। बाइक चोर जो थे उनको पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी निशानदेही पे 2 अभियुक्त
जो बच्चे को हरिद्वार आके उठाए थे। महिलाओं और छात्राओं के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गोरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उत्तराखंड मित्र पुलिस को सौंपी गई है। महिलाओं की सुरक्षा का बीड़ा उठाने वाले पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के मोबाइल फोन में गोरा शक्ति ऐप डाउनलोड करा रही है, जिससे आपातकालीन स्थिति में ऐप की सहायता से पुलिस की मदद मिल सके, ताकि समय रहते किसी बड़ी को रोका जा सके। सीओ मंगल और पंकज कुमार गैरोला ने बताया है कि महिलाएं और छात्राओं द्वारा आपातकालीन स्थिति में इस ऐप के माध्यम से एक क्लिक करने पर पुलिस की सहायता प्रदान की जाएगी और इस गोरा शक्ति ऐप के माध्यम से पुलिस तुरंत महिला की सहायता के लिए मौके पर पहुंच जाएगी। ऐप माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जो नारी सुरक्षा और महिलाओं विशेषकर जो बालिकाएं हैं उनकी सुरक्षा हेतु ये ऐप बनाया गया है। इसमें उनको सुविधा दी गई है कि उसमें यदि वो जहां पे भी रहेंगी वो पैनिक बटन दबाती हैं तो तत्काल उस क्षेत्र की पुलिस उनसे संपर्क करेगी, उनकी समस्या का निराकरण करेगी। इस ऐप के प्रचार प्रसार हेतु सभी थानों में टीम बनाई गई हैं, जो संबंधित एरिया के स्कूल, फैक्ट्री एरिया व बाज़ारों में जो भी महिलाएं आ रही हैं उनको संबंध में बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, वो उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। उत्तरकाशी के शीतकालीन प्रवास मुखवा में और हर्षिल वैली में सीजन की पहली बर्फबारी से खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और नया साल आ ही गया है और बर्फबारी से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सफ़ेद चादर में मां गंगे की शीतकालीन प्रवास मुखवा में इस साल की पहली बर्फबारी से होटल व्यवसाय के जो कर्मचारी हैं उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां 25 दिसंबर को स्वराज्य दिवस के अवसर पर दादूपुर गोविंदपुर में एडीएम वीर सिंह बुधियाल ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। और आपको बताते चले कि स्वराज्य दिवस के उपलक्ष में दादूपुर गोविंदवाल में मौजूद ग्राम पंचायत भवन में एडीएम हरिद्वार के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्या सुनकर एडीएम वीर सिंह बुधियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों के द्वारा अपनी समस्या बताई गई है और साथ ही उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि कैंप में कई तरह की समस्याओं के विषय में अवगत कराया गया है, शिक्षा के लिए, बिल्डिंग अतिक्रमण, प्रदूषण, रास्तों के दृष्टिकरण, नाले और नालियों के निर्माण और नशा मुक्ति के साथ अतिक्रमण मुक्त जैसी समस्याएं जो है वो सामने आई हैं, जिनको लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित विभागों के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सभी का समाधान किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सिंचाई विभाग की भूमि पर भी अतिक्रमण की एक शिकायत मिली है, जिसके चलते सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा उक्त विषय के गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के लिए जांच करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी ग्रामीणों के द्वारा समस्याएं बताई गई हैं सभी का समाधान प्राथमिकता के आधार पर जल्द किया जाएगा। हमारे गांव की 20-21 बीघे ज़मीन है आदर्श जूनियर हाई स्कूल के नाम से। मुख्य मुद्दा हमने वो रखा है और जितनी भी ग्राम समाज की भूमियां जो दबी हुई है, हमारा मेन मुख्य मुद्दा ये था। तो साहब ने आश्वासन दिया है और चकबंदी और तहसील विभाग की भी अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि इसका बहुत जल्द निस्तारण किया जाएगा। अधिकारियों को कुछ गोदाम की ये जलने वाला जो धुआं है गोदाम का ये भी बताई गई और कुछ ये हमारा जो मेन रास्ता है जो सलेमपुर को जोड़ता है सिंबल चौक से लेकर के और यहीं तक कलेसर तक, तो इसके बारे में बताया गया। लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है रास्ते के ऊपर, रात शाम के टाइम बड़ी भीड़ हो जाती है, निकलने की जगह नहीं बचती। स्वराज दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में हर ग्राम पंचायत स्तर पर जल स्तरीय अधिकारी को जाके वहाँ चौपा लगवाने थे और हर अधिकारी हमारे हर जिले हर पंचायत में
काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा ड्यूटी यहाँ दादपुर गोविंदपुर में लगा था, उसमें गांव के संबंधित जनता संबंधित नागरिक आके अपने अपने समस्या यहाँ रखी हैं उन्होंने, और अपने अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए हैं, उनको हमने सभी को नोट कर लिया है, उसका ब्यूरो बना के हम शासन को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजेंगे। मुख्य तो समस्या ये बताएगा कि यहाँ शिक्षा के लिए कुछ हमें इनको बिल्डिंग की आवश्यकता है या जगहों की आवश्यकता है, इसके लिए राजस्व विभाग को चकबंदी विभाग को हमने कह दिया गया कि कहीं भी हमारे ग्राम समाज की जमीन है। नाड़ी गांव में उत्तराखंड के पंचायत अपर सचिव ओंकार सिंह पहुंचे और पंचायत भवन में चौपाल कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं की और जनसुनवाई की, और इस दौरान कई ऐसे विभाग रहे जो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कुछ विभागीय अधिकारियों पर जनसुनवाई के दौरान अपर सचिव नाराज होते दिखाई दिए और कार्यक्रम के दौरान राशन डीलर गाँव से पानी निकासी, शिक्षा संबंधित, राजस्व संबंधित, जल संस्थान संबंधित शिकायतें प्रमुख रही। राशन डीलर की शिकायत पर तत्काल आदेश करते हुए खाद्य पूर्ति अधिकारियों को चौपाल कार्यक्रम के समाप्त होने से पहले जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा राशन डीलर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे पंचायती राज्य पशु ओंकार सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में कई तरह की शिकायत आई है जिन पर काम किया जाएगा, जिनका निस्तारण जल्द ही कर दिया जाएगा। जो संबंधित अधिकारी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सबकी जो ग्राम स्वराज की अवधारणा का जो एक विचार था कि गांव में अधिकारी जाए, सरकार गांव जाए, लोगों की समस्याओं से रूबरू हो। मैं खुद गांव से हूं, इसलिए मैं इनकी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और कई समस्याएं आपके द्वारा बताई गई उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। स्वच्छता पर्यावरण, यदि स्वच्छता स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, पीने के पानी पे ध्यान देंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हम अच्छे तरह से खेल भी पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे। बाकी मेरा यहाँ जो हमारे अधिकारी लोग हैं सबका एक सहयोग रहा और एचएम साहब भी आए, कृषि अधिकारी जी आए और बाकी अधिकारी आए, सबको समस्याएं लिखित कर ली गई लिख ली गई है। पौड़ी जिले में रविवार को मुख्यालय पौड़ी में ईसाई समुदाय के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाया और बीते शनिवार की रात जैसे ही घड़ी की सुइयां जो थी 12 बजे पर पहुंची, इशारा किया तो शहर के गिरजा घर में विशेष पूजा प्रार्थनाएं शुरू हो गई थी। और इसी क्रम में आपको बता दें कि समोर के ही समीप मौजूद मिशन चर्च में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए और इस दौरान शांता क्लास और क्रिसमस ट्री का आकर्षण केंद्र बना रहा और केक काटकर प्रभु यीशु की याद को करते हुए लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर क्रिसमस की बधाइयां दी। गिरजाघर और अन्य स्थानों पर प्रभु यीशु के जन्म को लेकर दर्शाती झांकियां भी इस दौरान सजाई गई और बच्चों सहित महिलाओं और बड़े बुजुर्ग का उत्साह साथ में कार्यक्रम में देखने को मिला। रंग बिरंगे कपड़ों में लोगों ने क्रिसमस का जश्न मनाया और चर्च में रेवरन हरीश कुमार और रेवरन अनिल बिलियन की मौजूदगी में मसीही समाज के लोगों ने सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर इस दौरान लोग शांति की प्रार्थना करी और इसके साथ ही प्रभु यीशु के जन्म पर बच्चों और युवतियों ने कैंडल जलाई और वहीं इस दौरान उनके द्वारा चर्च के प्रांगण में ही कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सितारगंज के अनुग्रह आश्रम में क्रिसमस के पवित्र पर्व पर प्रभु यीशु का जन्म ईसाई धर्म के लोगों ने बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया है और वहीं प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं। और बताते चले आपको कि क्रिसमस का त्यौहार हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में बड़े ही खुशी और धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में लोग क्रिसमस कर घर और चर्च में प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलते हैं और इसके साथ ही ईसाई धर्म के लोग एक दूसरे को उपहार भी भेंट करते हैं और मिठाइयां बांटकर प्रभु यीशु के जन्मदिन को बड़े ही खुशियों के साथ मनाते हैं। वहीं प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर सितारगंज अनुग्रह आश्रम को लाइटों से सजाया गया और अनुग्रह आश्रम में लगाई गई प्रदर्शनी एक आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं अनुराग आश्रम में ही आपको बता दें अनुग्रह आश्रम के फादर
को ने भी बताया है कि आज के दिन जो प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, पूरे दुनिया में प्रभु यीशु के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही फादर ने यह भी जानकारी दी कि सभी देश प्रदेश वासियों को उन्होंने बधाई देते हुए क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला रोड पर मौजूद गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें 50 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों को अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश और एम्स की टीम ने स्वेच्छित रक्तदान करने वाले लोगों का रक्त जो है इकट्ठा कर ब्लड बैंक में पहुंचाया और डॉक्टरों के द्वारा लिखे गए कई पैथोलॉजी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड भी निःशुल्क किए गए हैं। दवाइयां भी निःशुल्क रूप से मरीजों को उपलब्ध कराई गई हैं। मरीजों को अपनी सेवाएं देने पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने डॉक्टरों को सरोपा प्रसाद देकर सम्मानित भी किया है। मौके पर गुरु का अटूट लंगर भी चलता दिखाई दिया। दरबार साहिब में भी श्रद्धालुओं ने माथा टेक गुरुद्वारे घर में खुशियां मांगी हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि गुरु पर्व के उपलक्ष्य में ये स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया है कि ठंड होने के बावजूद स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों मरीजों के पहुँचने का उन्होंने पहुँचकर लाभ भी उठाया है। चमोली जिले के नारायण बगड़ प्रखंड के ऐतिहासिक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चोपटा का 122वां 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव का रंगारंग आगाज शुरू हो गया है। उत्तरी कटाकोट पट्टी के चोपटा गांव में ही ऐतिहासिक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय के 122वां वार्षिकोत्सव अवसर पर ही मुख्य अतिथि प्राली विधायक भूपाल राम टमटा, अति विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, खंड शिक्षा अधिकारी खुशहाल सिंह टोलिया, भाजपा जिला मंत्री दिलीप सिंह नेगी, ग्राम प्रधान पृथ्वी नेगी और पूर्व प्रधान उषा रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य मुकेश कुमार सागर, प्रधान आचार्य नरेंद्र सिंह भंडारी आदि अतिथियों द्वारा ही जनप्रतिनिधियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का शुभारंभ किया। और इस दौरान विद्यालय प्रबंधक समिति ने विद्यालय को स्कूल के लिए अतिरिक्त कक्षों, खेल और मैदान और इसके साथ ही शिक्षकों नियुक्ति का मांग पत्र सौंपकर आग्रह किया कि अविलंब विद्यालय की उपलब्धियों को देखते हुए उपरोक्त जरूरी मांगों को पूरा करें। प्रीति रावत है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। इस समय मैं हिंद ज्योति में बैठती हूँ और कुछ 2019 में मैं यहाँ से निकली थी। और जब भी इस विद्यालय से बीच में बच्चे निकलना बंद हो गए थे तो हमारे प्रधानाचार्य ने हमें बहुत सारी उन्होंने हमें बहुत मेहनत की और बहुत सारी प्रतियां की हमारे लिए। हमारी अगर कभी सर में तो हम मैथ्स और साइंस के लिए और इंग्लिश के लिए बहुत प्रैक्टिस करते थे, तो सभी सर ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने आरोप लगाया है कि कुछ अराजक तत्व उनको और देश के प्रमुख संतों को निशाना बना रहे हैं। और कुछ दिन पूर्व उनके हरिद्वार के चढ़ी घाट में मौजूद आश्रम में एक व्यक्ति आया था और नाम बदलकर आश्रम की रजिस्टर में बाकायदा उसने एंट्री की है और उनकी रेखी की, और इसके साथ ही जिसको प्रयागराज पुलिस ने पकड़ भी लिया है। और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहा है, लिहाजा ऐसे आरोपी से पुलिस को कड़ी पूछताछ करके यहाँ पता लगाना चाहिए कि देश के संतों को बदनाम करने की कौन सी साजिशें हो रही हैं और इनके पीछे क्या मकसद है। इस मौके पर अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और महंत हरिगिरी भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें उन्होंने कहा कि प्रयागराज की एक महिला संत साध्वी त्रिकाल भवंत ने इस साजिश का खुलासा किया है और वो व्यक्ति स्वामी कैलाशानंद गिरी को खीर में जहर मिलाकर देना चाहता था। ऐसे में अब संतों को भी अपने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे।
हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला में एक 6 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसको पुलिस ने उत्तर प्रदेश के देवबंद से सकुशल बरामद किया है। मगर इस मामले में कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ था और एसएसपी के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया था। और आपको बता दें कि पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार एसपी सिटी का कहना है कि रोड बेलवाला क्षेत्र में 9 तारीख को 6 साल का बच्चा अपने घर से लापता हो गया था और परिजन द्वारा इसकी सूचना दर्ज कराई गई थी और पुलिस की पहली प्राथमिकता थी कि बच्चे को सकुशल बरामद किया जाए और 16 तारीख को बच्चे को उत्तर प्रदेश के देवबंद से सकुशल बरामद किया गया। मगर आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर थे और पुलिस टीम द्वारा जिस बाइक से बच्चों का अपहरण किया गया था उसकी बरामदगी जो है वो भी कर ली गई है, जिसमें 2 बाइक चोर गिरफ्तार हुए और जिनकी निशानदेही पर 2 अभियुक्त जिनके द्वारा बच्चों को उठाया गया था विशाल और मनीष को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि दूर की एक बुआ द्वारा बच्चों को गोद लेने की बात कही गई थी और इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में बुआ को भी गिरफ्तार कर लिया है और 3 अभियुक्तों को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। दिनांक 9 को एक बच्चे की गुमशुदगी हुई थी और बच्चे के परिजन 11 तारीख को इसमें FIR पंजीकृत कराए थे। हमारी टीमों का गठन किया गया था। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि बच्चे की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की जाए। 16 तारीख को बच्चे की बरामदगी सुनिश्चित कर ली गई, वो भी सकुशल बरामद किया गया बच्चे को देवबंद से। उसके बाद हमारी टीम जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको ट्रेस करने में सफल रही। बाइक चोर जो थे उनको पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी निशानदेही पे 2 अभियुक्त जो बच्चे को हरिद्वार आके उठाए थे उनको विशाल और मनीष इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय से ये मामला सामने आया है, जहां पर कश्मीरी छात्र के साथ विद्यालय के छात्रों द्वारा मारपीट के बाद दर्जनों कश्मीरी छात्र इकट्ठे हो गए और सेनेटरी गेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कश्मीरी छात्रों ने मांग की है कि छात्र के साथ मारपीट करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा छात्रों द्वारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जानकारी देते हुए कश्मीरी छात्र नफीस ने बताया है कि विद्यालय के कश्मीरी छात्र नावेद के साथ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा ही मारपीट की गई है और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कश्मीरी छात्रों के साथ अक्सर मारपीट की जाती है, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा उक्त छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है और यही कारण है कि कश्मीरी छात्रों के साथ अक्सर मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज हमारे द्वारा प्रदर्शन किया गया है और कश्मीरी छात्र के साथ मारपीट करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई ही की जाती है तो प्रदर्शन जारी रहेगा। एक तरफ लगातार पूरे प्रदेश में जीएसटी को लेकर छापेमारी चल रही है, वहीं गोरखपुर में इस छापेमारी को लेकर कहीं विरोध तो कहीं समर्थन मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस छापेमारी का समर्थन कर रहे किराना व्यापारी मनीष जैन अपनी जान माल को लेकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको कि सिद्धि विनायक स्टेडियम के नाम से किराना दुकान चलाने वाले मनीष जैन का आरोप है कि जीएसटी छापेमारी के दौरान उन्होंने इस कार्रवाई को सही बताया और अपनी दुकान को खोले रखा और इसके बाद किराना कमेटी के पदाधिकारियों ने षड्यंत्र के तहत किराना कमेटी से हमारी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि सभी व्यापारी बंधु मनीष जैन की फर्म से कोई लेना देना ना रखें। मनीष जैन ने कहा कि किराना कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री और पदाधिकारी हमारे पीछे लग गए हैं क्योंकि मेरा किराने का काफी बड़ा व्यापार है और इसलिए हमारे व्यापार से नाराज रहते हैं। जीएसटी की कार्रवाई पूरे पूर्वांचल में एक साथ शुरू हुई और
जिन व्यापारियों अनियमितता बरती उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों ने हमसे इसका विरोध करने और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाने को कहा और साथ ही पूरे पूर्वांचल के व्यापारी से अपनी दुकानें बंद करने का आह्वान करने के लिए भी कहा गया। जब मैंने इन सब बातों का समर्थन नहीं किया और लगातार अपनी दुकान खोले रखा और आसपास के दुकानदारों को भी दुकानें खोलने के लिए कहा, तो इससे नाराज होकर इन लोगों ने पहले तो हमारी किराना कमेटी की सदस्यता को रद्द किया और फिर कुछ दिनों बाद कमेटी के पदाधिकारियों ने मुझे धमकाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे चक्कर में यहाँ के व्यापारियों के ऊपर 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है और अब उसको लेकर तुम भरोगे और अगर तुम यहाँ पैसे नहीं भरे तो जान से मार दिए जाओगे। आज मेरे सामाजिक अधिकारों का बहुत हनन हो रहा है। मैं इस समाज में न जी सकूं, न व्यवसाय कर सकूं, ऐसा प्रतिबंध मेरे ऊपर मेरे गोरखपुर किराना कमेटी पदाधिकारीगण कर रहे हैं और इनके द्वारा तमाम प्रकार के ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे मेरी व्यापारिक छवि खराब हो रही, मेरा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और हमारे पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ मुझको बोलने के लिए बोलते हैं, ये भी मेरे लिए बड़ा कष्ट का विषय है। मैं ये चाहता हूँ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।